हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्रेजी फॉर फिजिक्स में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में कई सारे टॉपिक्स हैं, एक नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले बेसिक पढ़ोगे तो डेरिवेशन बता दूं कितनी है इसके अंदर। इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक तो इसमें टॉर्क होगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, दो डेरिवेशन उसकी होगी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल, चौथी डेरिवेशन ये होगी बच्चों। और इसमें दो डेरिवेशन और है, इलेक्ट्रिक डाइपोल सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल और इक्विटोरियल और एक्सियल दोनों पोजीशन पे। तो आपकी टोटल मिला के भाई यहाँ पे 5 डेरिवेशन के आसपास है इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक, और ये वो टॉपिक है ना जहां पे हर जगह सवाल पूछा जाता है, हर जगह आता है सवाल। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लेना फ्यूचर में, और अभी जैसे स्कूल लेवल पे आप एग्जाम दोगे सीबीएसई में, तो भाई यहाँ से आएगा 2 से 3 नंबर का सवाल, ठीक है। और इसके अलावा जो सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं नीट में, जेई में, और अदर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, जो 12th के बेसिस पे सीयूटी में भी इवन दो, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और काफी इंटरेस्ट वाला टॉपिक है, जो एक्चुअली में जहां से लोग जो उठा उठा के सवाल यहाँ से पूछते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज के लेक्चर, तो लगे रहिए और देखते रहिए। स्टार्ट करते चले इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है क्या है, वही डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैथमेटिकल अप्रोच आते जाएंगे, फिर डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल जो रहता है ना, मैंने अभी तक देखा है कि बच्चे ये सोचते रह जाते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। उनको ये ही नहीं पता होता कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। इन दोनों में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं डेफिनेशन को लेके, कि भाई इनकी डेफिनेशन हो क्या सकती है, ठीक क्या होगी, वो लिख ही नहीं पाता एग्जाम के अंदर। भाई पूछ ले कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब वो इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफाइन नहीं कर पा रहे। बोला जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कीजिए, वो भी नहीं डिफाइन कर पा रहे। तो सोचते इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। तो चलिए इसी कंफ्यूजन को आज हम दूर करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम में दिख रहा होगा कि भाई इलेक्ट्रिक का तो चार्जेस हो गए, और डाइपोल यानी चार्ज वाला एक तरह से कोई सिस्टम होगा, मोटा मोटा चार्जेस का कोई सिस्टम है। अब कैसा सिस्टम होगा चार्ज का ये, तो डेफिनेशन बता देता हूं मैं इसकी पहले तुम्हें। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। देखिए ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन। नाम डेफिनेशन के अंदर देखो क्या लिखा है मैंने, इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, इक्वल भी होगा और अपोजिट चार्ज भी होगा, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। यहां पे जो सारी वर्ड लिखे ना, स्मॉल डिस्टेंस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दूसरी बात ही हो गई है ना, ये जो दो बातें यहां पे लिखी है यही एक्चुअली में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को बनाता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप कह सकते हो कि मोलिक्यूल ही होते हैं ये कोई भी एक तरह से टाइनी एटम हो सकता है, ओके यस, एटम का भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, मोमेंट भी होता है, ठीक है। अब है क्या सर ये, देखिए मैंने क्या लिखा डेफिनेशन में, इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। लेट सपोज ये हो गया, ओके ये दो चार्ज हैं, ये एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होना कंपलसरी है, जरूरी है डिस्टेंस होना चाहिए, नहीं है डिस्टेंस तो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर ये दोनों चार्ज ओवरलैप कर जाते हैं तो इस केस में कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये एक्चुअली में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना कि भाई दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर और एक नॉन पोलर। जो पोलर और नॉन पोलर है ना, वो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल से डिफाइन करते हो,
ठीक है, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को आप इलेक्ट्रिक डाइपोल से डिफाइन करते हो। तो एक तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल आप कह सकते हो पोलर मॉलिक्यूल्स है, आप ये समझ लो। ठीक है, तो यानी सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इसको मैंने क्या कहते हैं, 2a बोल दिया। अब ये जो 2a है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ डाइपोल। सर डाइपोल पाया कहां जाता है, ये डाइपोल कहां पाया जाता है, डाइपोल भाई मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे सोडियम क्लोराइड पढ़ा होगा ना आपने, सोडियम क्लोराइड, सोडियम पे चार्ज क्या होता है, प्लस, क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है, माइनस, है ना। सोडियम पे प्लस वन चार्ज होता है और क्लोरीन पे वन माइनस चार्ज होता है ना। अब इनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी होगा। तो बच्ची जो सिस्टम है ना सोडियम और क्लोरीन का, ये क्या बना रहा है, डाइपोल मोमेंट बना रहा है। ठीक है, यानी डाइपोल बना रहा है और उसके ऊपर जो डाइपोल को मेजर करेंगे वो डाइपोल मोमेंट होगा। अभी हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो ये डाइपोल बना रहा है, वाटर पे भी नेट डाइपोल होता है, वाटर भी एक डाइपोल मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। यानी कि कैसे होगा, ये ऑक्सीजन बीच में लटकता है ना, यहाँ पे टू नेगेटिव चार्ज हो गया इस पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस एच और एच प्लस, ऐसे करके होता है 105 का एंगल कुछ होता है इसमें। तो भाई ये जो है ना नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो डायरेक्शन दिख रही है आपको, ठीक है, ये पूरा सिस्टम मिलकर क्या बन रहा है, डाइपोल बन रहा है। ओके, ये पूरा सिस्टम मिलकर डाइपोल बन रहा है। डाइपोल का मतलब हो गया कि भाई एक ऐसा पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज होता है जिसमें चार्जेस की वैल्यू तो इक्वल होती है लेकिन चार्जेस का साइन अपोजिट होता है। तो मतलब मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन अपोजिट चार्ज होगा और इक्वल चार्ज होगा, यही क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो डेफिनेशन बच्चों ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, कि भाई इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, यही क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। यहां पे जो 2a हो गया लेंथ ऑफ डाइपोल हो गया। ठीक है, 2a क्या है यहां पे, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब देखो यहां पे सवाल आते हैं, इसकी फील्ड क्या होगी, हम डाइपोल क्यों पढ़ रहे हैं यहां पे। तो डाइपोल हम पढ़ रहे हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सके। इसका कई जो रेडिएशन रेडार सिस्टम होता है उसमें भी इसका यूज स्टडी उसको स्टडी करने के लिए इसका यूज किया जाता है, उसकी एप्लीकेशंस है। अभी फिलहाल हम मटेरियल साइंस पे नहीं आ रहे हैं फिलहाल। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो अगर हम देखें एक तरह से ये पेयर ऑफ टू अपोजिट चार्ज है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। लास्ट टाइम मैंने इसका एक वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करवाई थी, तो इन डाइपोल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। तो फील्ड लाइंस हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती है, ऐसी तो होता है ना। ये इसकी फील्ड लाइन हो जाएगी इस तरीके से, एरो किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, एरो किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, ऐसे एरो जाएगा। ठीक है, एरो इस तरीके से जाएगा, ये फील्ड लाइन्स हमने ड्रॉ की थी। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो फील्ड प्रोड्यूस करता है ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। कैसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, मतलब क्या है भाई, देखो कोई भी अगर पॉइंट चार्ज है ठीक है, वो हमेशा एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्यों, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है अगर आप अलग अलग डिस्टेंस पे जाओगे, दूर जितना दूर जाओगे चार्ज से, जो फील्ड होगा डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें भी फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में तो ऐसा कुछ होता है, और ड्यू टू पॉइंट चार्ज में सिंगल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और r² के अकॉर्डिंग ये फील्ड वेरी करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कोई भी डाइपोल अगर क्रिएट कर रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये बात और दिमाग में बैठा लो। ठीक, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ टू अपोजिट, ठीक है, एंड इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a, बस इतनी बात याद रखो। और इलेक्ट्रिक फील्ड ए इसका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। चलिए अब आगे थोड़ी सी और बातें करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक
डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये क्या होगा, इसको हम P से डिनोट करते हैं। देखो एक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये मॉलिक्यूल से सिस्टम है, आप ये कर लो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्या ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसी को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। जैसे हमारे को पता है कि भाई ये हमारे पास कोई एक डाइपोल है, डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ओके। ये हम क्या कह रहे हैं इसको, सेंटर ऑफ डाइपोल डिफाइन कर रहे हैं इसको। वो क्या है यहाँ पे, इस डाइपोल का सेंटर है, क्या वो यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल बोलेंगे इसको, सेंटर ऑफ डाइपोल। और इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस 2a है। इस 2a को हमने क्या बोला था, लेंथ ऑफ डाइपोल। 2a क्या है यहां पे, लेंथ ऑफ डाइपोल। आप ऐसे समझना, अगर आप कहीं पे भी डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालोगे तो इस पूरी लेंथ का यूज करोगे, ठीक है। अब नाउ सेंटर से दोनों चार्ज बराबर डिस्टेंस पे होगा, यानी ए ए डिस्टेंस पे हो जाएगा कि नहीं। सवाल है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। देखो जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उस पे आपने सुना होगा कि उस पे नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, उस पे परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है, C2H5OH, ये सारे क्या पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनपे नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, ये परमानेंट डाइपोल होते हैं, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन देख लो। इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर करेगा। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, आप ये कह सकते हो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी यहीं से डिफाइन होती है किसी भी मॉलिक्यूल की। अब इसको मैथमेटिकली कैसे ट्रीट करें, सर ये तो ठीक है, ये तो डेफिनेशन अच्छी बात है हमने कर ली, मैथमेटिकली कैसे ट्रीट करें, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो भाई क्वांटिटी भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो बच्चों, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस या सेपरेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ऐसे लिख दो, या फिर लेंथ ऑफ डाइपोल लिख दो, आप ही भी लिख सकते, बल्कि ऐसे लिखो यहां पे, एंड द लेंथ ऑफ डाइपोल, ऐसे आप लिख लेना, या डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये भी आप बोल सकते हो। मींस जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसको आप ऐसे लिखोगे, पी इक्वल टू क्यू इंटू में 2a, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। आइदर चार्ज का मैग्नीट्यूड यूज करना है आपको, ठीक है, कोई भी चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड, और इनटू में जो भी इनका सेपरेशन है यानी लेंथ ऑफ डाइपोल, जो भी दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। इस 2a को एक साथ लिखना, ठीक है, ऐसा ना कि आप 2 यहां लिख दो 2qa करके आ जा रहे हो तो भाई गलत हो जाएगा सिस्टम, मामला गड़बड़ हो जाएगा और कुछ नहीं। तो यानी क्या हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। यानी कि मैथमेटिकली हम बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आइदर चार्ज और सेपरेशन बिटवीन द चार्ज का प्रोडक्ट होता है, यानी क्यू इंटू में 2a। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्यू इंटू 2a, ऐसे याद कर लो, क्यू इंटू 2a, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यू क्या है, ठीक है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, बस उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, क्यू इंटू में 2a, ओके, क्यू इंटू में द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन है, ठीक है, ये एक सिस्टम को डिफाइन करेगा, ये एक मॉलिक्यूल कह सकते हो आप, ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ को मेजर जो हम करते हैं, इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो भाई इन दोनों में अंतर है, ये दिमाग पर बैठा लो बात, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक तरह से सिस्टम ऑफ
पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम को मेजर करता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, सिंपल सी बात है। और मोर अगर आपको जानना है तो सिंपल सा और देख लो यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है क्यू इंटू में टू ए के बराबर होता है, क्या होता है क्यू इंटू में टू ए के बराबर होता है। चलिए थोड़ी सी और इस पे चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है इसका हमने फॉर्मूला लिखा P इक्वल टू क्यू इंटू में टू ए, ये इसका फॉर्मूला हो गया है ना, P इंटू में टू ए, ए मतलब एरिया वेक्टर, ए मतलब सॉरी वेक्टर, एरिया नहीं, ए मतलब वेक्टर हो गया, इट इज डायरेक्टेड अलोंग माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ठीक है ये ए है, ए वेक्टर इसी डायरेक्शन में बच्चों, ठीक है ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है इसको आप ए वेक्टर कह रहे हो। ओके अब देखिए यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड है ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, इसका जो मैग्नीट्यूड फॉर्म होगा q इंटू में 2a आप सिंपली लिख सकते हो, इसको नोट कर लेना अच्छे से। ओके अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट की, SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट क्या होगी, चार्ज का तो कूलॉम्ब होता है ना, और डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं तो कूलॉम्ब मीटर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है तो क्या हो जाएगा, चार्ज को हम क्या लिखते हैं एम्पियर टाइम, ठीक है और मीटर का तो एल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल टी ए हो जाएगा है ना, एल टी ए के बराबर ये हो जाएगा एम जीरो एल वन टी वन ए वन, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी है, भाई मैं ऊपर ही लिखता आ रहा हूं ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं है ना, तो यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब सर अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, बिल्कुल होगी, और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, कहां से होती है, ठीक है इट्स डायरेक्शन ऑलवेज, ये याद रखना है बहुत जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहां पे बच्चों, इट्स डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी, ऑलवेज डायरेक्टेड होगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। सो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है एसआई यूनिट इसकी कूलॉम्ब मीटर होती है, डाइपोल मोमेंट इस पर जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी ए होता है, ओके और वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, और हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो बच्चों ये थी पूरी इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। अब जरा इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स है क्या, लेट्स सी द क्वेश्चंस। देखो एक ये सवाल आपके सीबीएसई बोर्ड में आया था, बहुत पहले कभी आया था, ठीक है और जनरली ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, मान लो दो चार्ज है, एक है 10 की पावर माइनस 8 कूलम नेगेटिव चार्ज और दूसरा चार्ज है 10 की पावर 8 कूलम, इनके बीच में डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर, क्या इनके बीच में डिस्टेंस 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है, ओके और सवाल पूछा गया है कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, और दूसरा सवाल यहां पे जो पूछा गया है बच्चों वो है कि इस पे नेट चार्ज कितना होगा, किस पे नेट चार्ज कितना होगा, ये मैं कॉन्सेप्ट मुझे वहीं पे बताना था। तो ये सवाल पूछा गया था, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट चार्ज कितना होना चाहिए, माइनस क्यू और प्लस क्यू है ना, आपके हिसाब से नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। भाई नेट चार्ज क्या होगा, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। सर ये जीरो क्यों हो गया, ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक चार्ज की, यानी कि एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम सिंपली एल्जेब्रिकली एड कर सकते हैं है ना, तो किसी भी सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होता है वो उनके सम के बराबर होता है, उस पे जो नेट चार्ज है उसके सम के बराबर होगा। तो भाई इन दोनों चार्ज को जोड़ दो, दोनों अपोजिट चार्ज है, दोनों को जोड़ दिया तो जीरो आ जाएगा,
ठीक है, क्योंकि चार्ज क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होता है, है ना, चार्ज चार्जेस आते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो भाई नेट चार्ज तो जीरो हो गया। अब डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, क्यू इंटू में टू ए के बराबर डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। ओके, आइदर चार्ज इंटू में डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। टू ए क्या है यहाँ पे, टू ए तो यहाँ पे 1 mm होगा, 1 mm का मतलब 10^-3 meter हो जाएगा, राइट। तो क्यू कितना है, क्यू है 10^-8 और 2a की वैल्यू 10^-3। क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 10^ क्या आ जाएगा, -11 कूलम्ब मीटर, ठीक है, -11 कूलम्ब मीटर क्या हो जाएगा, इस पे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, हमेशा इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी, ठीक है, हमेशा क्या होगी इसकी डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके। एक सवाल ये आया था कि भाई दो चार्जेस हैं 4 microcoulomb और एक है यहाँ पे दूसरा भी 4 microcoulomb है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो लेट कर लो कि भाई 4 centimeter इनके बीच में डिस्टेंस है। क्या इनके बीच में डिस्टेंस 4 centimeter भी क्यों, 4 mm ही है, ठीक है, 4 mm है, तो बहुत छोटा सेपरेशन होता है, जो 2a होता है ना, वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल आप कह सकते हो भाई, एक मॉलिक्यूल को आप देख नहीं सकते, देख सकते हो मॉलिक्यूल को, क्या आप मॉलिक्यूल को देख सकते हो, नहीं देख सकते ना, किसी भी मॉलिक्यूल को आप नहीं देख सकते, राइट, मॉलिक्यूल को आप देख ही नहीं सकते, ठीक है, तो यानी मॉलिक्यूल को देख नहीं सकते, इनके बीच सेपरेशन कितना होगा, सेपरेशन बहुत छोटा होता है, माइक्रो में भी हो सकता है और मिली में भी हो सकता है, ठीक है ना, बहुत छोटा सेपरेशन होता है दो पॉइंट चार्ज के बीच में, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी होती है, अगर हम किसी भी पॉइंट पर अगर फील्ड निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से, तो वो पॉइंट ही इतनी दूर होगा कि लेंथ उसकी बहुत छोटी होती है, ठीक है, कई बार कंपैरिजिबल भी हो जाता है भाई कि भाई सेंटर पे निकाल रहे हो, तब बात अलग है। तो ना ये सवाल है बच्चों, यहां पे हमें दो चार्जेस दे रखे हैं, एक -4 microcoulomb और एक 4 microcoulomb, इस पे क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है कि भाई इस पे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो भाई फॉर्मूला सिंपल हमारे पास है, क्या है, क्यू इंटू में टू ए, आइदर चार्ज इंटू में सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, सिंपल है, निकाल लोगे। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 1 micro का मतलब क्या होता है, 10^-6, 1 micro का मतलब 10^-6, 1 nanocoulomb का मतलब 10^-9, 1 millicoulomb का मतलब 10^-3, ये बातें याद रखना, ठीक है। अब ना यहाँ पे डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, 4 mm है, 4 mm का मतलब 4 × 10^-3, 1 millimeter 10^-3 meter के बराबर होता है। नाउ 4 × 16 इंटू में 10^-9 वॉट, कूलम्ब मीटर, ओके, कूलम्ब मीटर, ये इसका आंसर है यहां पर। तो चलिए, तो ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो एक बार मैं जरा सा रिकेप कर देता हूं फटाफट क्या क्या है, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। बस इतनी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल एक मॉलिक्यूल है, यानी पोलर मॉलिक्यूल होता है, जो मॉलिक्यूल पोलर होते हैं उनपे परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, इस बात का याद रखना, ठीक है। इनके चार्जेस ओवरलैप नहीं करते, यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस होता है चार्जेस के बीच में। दूसरी बात यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या था, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, एक तरह से मॉलिक्यूल कह सकते हो, मॉलिक्यूल के अंदर जो नेगेटिव पॉजिटिव आयन होता है वही इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है, यानी आइदर चार्ज इंटू में सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। यूनिट इसकी कूलम्ब मीटर होते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला LTA के बराबर होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। ऑलवेज जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहेगी, ठीक है। तो ये सारी बातें अभी तक हमने डिस्कस की है, अब हम करने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल अलोंग इट्स एक्सियल, मतलब इसे हम डाइपोल फील्ड भी बोलते हैं।
सो नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल फील्ड। देखो अभी मैंने शुरू में ड्रॉ किया था, लेट कर लेते प्लस क्यू और माइनस क्यू है, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऐसे निकली, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती है, ऐसी था कुछ। ओके ये डाइपोल फील्ड है पूरा, डाइपोल फील्ड यूनिफॉर्म तो होता नहीं है, है ना, डाइपोल फील्ड का मतलब डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हो। अब अगर आपसे बोला जाए कि भाई इसके इस एक्सिस पे, ये डाइपोल की एक्सिस है, इधर नहीं, ये ऐसे, ये डाइपोल की एक्सिस है, यहां पर ये डाइपोल की एक्सिस है, एक्सिस का मतलब जहां पे नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो लाइन ज्वाइन हो रही है, जो लाइन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ज्वाइन होगी उसे हम क्या बोलते हैं, डाइपोल का एक्सिस बोलते हैं। ओके ये डाइपोल का एक्सिस हो गया, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो लाइन आप ज्वाइन करोगे बच्चों वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस हो जाएगी। एक तो ये पोजीशन हो गया, इसे हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, क्या बोलेंगे इसे हम, एक्सियल पोजीशन, क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल का मतलब हो गया अलोंग द, अलोंग द, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट आप कह सकते हो, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इसे हम बोलेंगे क्या, एक्सेल पोजीशन। दूसरा होता है बच्चों इक्विटोरियल पोजीशन, मतलब डाइपोल के सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से ठीक है एक लाइन पास कराओ तो परपेंडिकुलर, एकदम डाइपोल के सेंटर से एक लाइन पास कराओगे परपेंडिकुलर तो इसे हम क्या बोलेंगे, इक्विटोरियल पोजिशन बोलेंगे, इक्विटोरियल पोजिशन ये पढ़ा जाता है परपेंडिकुलर टू डाइपोल, परपेंडिकुलर टू डाइपोल। तो यहां पे आप देख सकते हो यहां पे भी दो दो पोजीशन है, एक तो ये वाली होगी, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पढ़ेंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पढ़ेंगे ठीक है, परपेंडिकुलर टू डाइपोल हो जाएगा ओके। और दूसरा ये वाला पॉइंट है जिसे हमने क्या पढ़ा है, एक्सियल पोजिशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, एक्सियल पोजिशन पढ़ा है। ये दो पोजिशन है बच्चों, एक एक्सियल पोजिशन है और एक इक्विटोरियल पोजीशन है, ये दो पोजीशन है, एक एक्सेल पोजीशन और एक इक्विटोरियल पोजीशन है ओके। अब देखो हमें क्या करना है, इन्हीं दो पोजीशन पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इन्हीं दो पोजीशन पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। और यहां से डेरिवेशन एग्जाम में आती है, यस यहां से एग्जाम में डेरिवेशन 100% तो नहीं कहूंगा क्योंकि डेरिवेशन पूछते हैं बट, लेकिन ये बात है कि भाई 95% पूरे चांसेस है कि यहां से एक डेरिवेशन आपसे पूछ ली जाए, लेकिन मैंने देखा है कि भाई 99% जो डेरिवेशन पूछी जाती है एग्जाम में वो टॉर्क वाली है, टॉर्क या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला ठीक है, इन दोनों में से एक डेरिवेशन आती आती है, इसको तो मैं भाई 99% श्योर बोलूंगा, 100% कुछ नहीं होता भाई क्योंकि पेपर मैं नहीं बनाऊंगा, पेपर पूरा एक सिस्टम बनाता है मिलकर, और एक टीचर पेपर नहीं बनाता, बहुत सारे टीचर होते हैं बनाने वाले ठीक है, पेपर रेंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं, किसी का कुछ नहीं रहता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है सब कुछ, याद रखना बस एक सब कुछ सच है जो आपको पता है ठीक है, 100% आप श्योर हो वो है आपकी मेहनत ठीक है। अगर आप डेली पढ़ रहे हो और करके सब कुछ पढ़ के जा रहे हो तो पेपर कैसा भी आ जाए वो तो आप दे दोगे ठीक है, अच्छे से करके आ जाओगे। तो चलिए ये वाला हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, तो हम जो करने जा रहे हैं इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अलोंग इट्स एक्सियल पोजिशन ठीक है, अलोंग इट्स एक्सियल पोजिशन, एक्सियल का मतलब हो गया ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। चलिए लेट कर लेते हैं कि हमारे पास
ये डाइपोल है, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ओके, लेट कर लो ये ए पॉइंट है और इसको हम बी पॉइंट बोल देते हैं। इसको हमने क्या बोल दिया, ए पॉइंट, और इसको हमने क्या बोलते हैं, बी पॉइंट बोल दिया। ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये हमारे पास डाइपोल हो गया। इस डाइपोल का ये क्या है, सेंटर है ओ, यहां से डिस्टेंस से ए हो गया और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। सेंटर से दोनों चार्ज का जो डिस्टेंस है वो ए ए हो जाएगा, राइट। अब हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। हमें क्या करना है, एक्सियल पोजिशन पर, एक्सियल पोजिशन, एक्सियल पोजिशन मतलब जहां पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी उसी पॉइंट पर, यहां पर लेट कर लो, ये क्या है, एक्सियल पोजिशन है। डाइपोल की एक्सिस ऐसे होगी भाई, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल की एक्सिस होगी, ठीक है। एक्सिस की डायरेक्शन ये है पूरी, ये एक्सिस की डायरेक्शन है, ये ध्यान रखना। डाइपोल की एक्सिस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जो यहां पे लाइन ज्वाइन करोगे वो एक्सिस होगी, ये दिमाग में बैठा लो। अब देखिए ये जो पी पॉइंट है, लेट कर लेते सेंटर से, या समझना इस बात को, जो पी पॉइंट है ये एक्सेल पोजिशन है, ठीक है। एक्सेल का मतलब ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, जो पी पॉइंट है सेंटर से लेट कर लेते, इसकी डिस्टेंस क्या है, आर है। क्या है इसकी डिस्टेंस, सेंटर से आर डिस्टेंस है, ये बात दिमाग में बैठा हो थोड़ा सा, समझो इसको, समझ आई कि नहीं, ये बात समझ आ गई है ना। जो पी पॉइंट है सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, हमने लेट कर लेगी, जो पी पॉइंट है सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, इसी पी पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसी पी पर हमें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, जरा देखो ये जो चार्ज क्यू है माइनस का, इस पी से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, माइनस पी चार्ज का पी से डिस्टेंस कितना होगा, माइनस क्यू चार्ज का, सॉरी, जो माइनस क्यू चार्ज है, इस माइनस क्यू चार्ज का पी से डिस्टेंस क्या होगा, यहां तक का क्या है डिस्टेंस, जरा देखो ये तो यहां तक आर है पूरा, यहां से लेके यहां तक आर है, है ना, और ये जोड़ दो इतना, और डायग्राम देखो फिर समझो, ये टोटल ओपी तो आर हो गया और यहां पे क्या है एओ, ये कितना है ए के बराबर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, माइनस क्यू से पी तक का आर प्लस ए के बराबर हो जाएगा, समझो इस बात को, ठीक है। ऐसे ही जो यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, ये वाला प्लस क्यू चार्ज, इसका पी तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहां से पी तक का डिस्टेंस, प्लस क्यू चार्ज से पी तक का डिस्टेंस क्या होगा, देखो जरा भाई, टोटल डिस्टेंस क्या है, आर है, यहां तक आर है ना पूरा, और यहां से ए घटा दो तो क्या बचे यहां पे, आर माइनस ए। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई कि नहीं, देखो यहां पे पी पॉइंट हमने लेट कर लिया कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, सेंटर से क्या है आर डिस्टेंस पे है, तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू की पी से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस ए और आर माइनस ए हो जाएगा, डायग्राम में देखो समझो, ओके। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको दो बातें समझाई गई थी, देखो अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसमें जो तीर होते हैं एरो बाहर की तरफ निकलते हैं ऐसे, है ना, प्लस चार्ज के लिए एरो बाहर की तरफ निकलेगा और माइनस चार्ज के लिए एरो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। आपको यहां पे भी इसी पॉइंट चार्ज की तरह, इस पॉइंट चार्ज की तरह इनको ट्रीट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिखनी है। अब देखिए, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बच्चों, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज की बात करता हूं तो प्लस क्यू चार्ज पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, इसको मैं क्या देता हूं ई टू, ओके। जो ई टू है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ओके। माइनस क्यू के लिए क्या होगा, इसी पॉइंट पी पे जो माइनस क्यू चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ होगी, हाँ इस तरफ होगी कि नहीं, ये जो डायरेक्शन है माइनस, जो पी पॉइंट पे है माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस क्यू की तरफ होगी, ओके। इसे हम कह देते हैं E1, तो E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, मतलब ड्यू टू प्लस चार्ज आप कह सकते हो, ओके। अब देखो यहां पर
यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैंने ई वन बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, यहां से आता का डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ये है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, के क्यू बाई डिस्टेंस क्या है आर प्लस ए, तो आर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अलोंग विच ए टू बी या बी टू ए, भाई बी टू ए होगा है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ है लेफ्ट साइड में, यानी प्लस चार्ज टू माइनस चार्ज, तो अलोंग बी ए लिख देना, ये बी ए कर देना इस तरीके से, अलोंग बी ए हो जाएगा। ऐसे आप ई टू लिखो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। देखो एग्जाम में डेरिवेशन आएगी तो आपको डेरिवेशन ऐसा ही करके आना है, डिक्टो ऐसे लिख के आना है, ठीक है ना, पूरा उसमें तो कुछ आप छोड़ नहीं सकते, कंसिडर कंसिडर लिख लेना, कंसिडर डाइपोल ऑफ लेंथ 2a कंसिस्टिंग चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू। टेलीग्राम पे पूरे नोट्स का डिटेल लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, क्रेजी फॉर फिजिक्स से टेलीग्राम पे मेंबरशिप ले लेना, मतलब मेंबर बन जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे वैसे नहीं उनके, ओके। E2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज P से कितना डिस्टेंस पर है, R माइनस ए पे, तो क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अलोंग अलोंग वट अलोंग ए बी हो जाएगा, ये है ना ए टू बी है तो अलोंग ए बी हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया, और इसे हम सेकंड कह देते हैं बच्चों। अब देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, E2 इधर है E1 इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल कितने का हो गया 180 का, राइट। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगा, तो यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरफ होगा भाई, डिस्टेंस कौन सा, अगर आप देखो यहाँ पे कौन सी फील्ड स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा है भाई, E2 ज्यादा है ना भाई, ये डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस जितना कम होगा यानी जो पॉइंट जिस चार्ज के पास है उस पॉइंट पे ज्यादा फील्ड होगा प्रोड्यूस, ठीक है, वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ठीक है, और यहां पे जो माइनस क्यू चार्ज है इसका फील्ड यहां पर कमजोर पड़ जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ हो गया, जिस डायरेक्शन में क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए टू बी हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे आ जाएगा एक्सेल पोजिशन पे वो होगा ई टू माइनस ई वन, यानी अलोंग अलोंग या इन द डायरेक्शन लिख सकते हैं, या अलोंग ए बी लिख देना, और इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, ठीक है, मोमेंट ऐसे लिख देना। चलिए इसको सॉल्व करना है अब हमें, अब E2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, के क्यू बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर, E2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, के क्यू बाई, इसको मैं दोबारा लिखवा दूंगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा P पर वो हो जाएगा के क्यू बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर, पहले ये रखोगे और इसको घटा दोगे, इन दोनों के तो माइनस करना है ना, और माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, भाई इसको सॉल्व कर लो, के क्यू कॉमन आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल मैथ से है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों का एलसीएम लोगे ना, फिर उसका क्रॉस भी इंटू करोगे आप, आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर, ओके। अब यहां से आगे सॉल्व कर लीजिए इसको, ये स्टेप समझ आ गया, यहाँ पे क्या करना है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अंदर वाली टर्म इंटू हो जाएगी, पावर सेम है तो पूरे पे होल पे पावर चढ़ जाएगी दो, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बाकी इसको क्रॉस इंटू कर दिया, और के क्यू बाई बाई के क्यू क्या था यहाँ पे सेम था दोनों में, तो इसको बाहर निकाल दिया मैंने, ओके। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, तो पहले आप इन दोनों को जोड़ लो, आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए, अब इन दोनों को माइनस कर दो, यानी कि आइडेंटिटी के अनुसार a प्लस बी और a माइनस बी, तो r प्लस ए माइनस आर, और यहां पे माइनस है ना तो प्लस a हो जाएगा, अपॉन में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर,
जो कट रहा है काट दो भाई, ए से ए कट गया भैया, आर से आर कट गया यहाँ पे, तो क्या बचा के क्यू इंटू में आर प्लस आर टू आर, ए प्लस ए टू ए, आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके थोड़ा और सॉल्व कर लो, देखो q इंटू में 2a, इसको देखो जरा q इंटू में 2a क्या होता है, q इंटू में 2a होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये होता है ना, q इंटू में 2a क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो q इंटू 2a की जगह तो क्या आ जाएगा p आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया यहाँ पे 2k p r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजिशन, एट द पोजिशन एट द पॉइंट अलोंग द एक्सेल पोजिशन, ठीक है, एट द पॉइंट अलोंग द एक्सेल पोजिशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द पॉइंट अलोंग द एक्सेल पोजिशन का फॉर्मूला ये, और के की वैल्यू क्या होती है भाई, अगर के नहीं पता है तो समझ लो 1/4 pi epsilon naught, पूरे इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से डील कर रहे हो और जहां पे के आ रहा है, ठीक है, दो वैल्यू है के की यहाँ पे, एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट थी और एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/4 pi epsilon naught होता है, यानी कि 9 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। तो ये पूरी डेरिवेशन है, ठीक है, इसको समझ लो, ठीक है, देख लो, और एग्जाम में आती है भाई, 95% चांस है इस डेरिवेशन के आने के। एक और है सेम ऐसी कुछ लगभग, वो इक्विटोरियल पोजीशन है, ये तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना भाई, पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, दोनों को माइनस कर दिया और सिंपल से मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व किया यहाँ पे। ओके, अब थोड़ी स्पेशल केसेस इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो लिख लिया, मिटा देता हूं। चलो कुछ बातें इसमें और हैं जो अधूरी है, उनको पूरी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला क्या है, 2k पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब r और a के बीच में ज्यादा डिस्टेंस का गैप नहीं है, मतलब r और a लगभग सेम सेम है, मतलब अगर मान लो 2 mm है और ये 4 mm है, तो भाई इसको यूज कर लेना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है भाई, इसे याद रखना है। ओके, ये फॉर्मूला यूज तभी करना है जब आर और ए लगभग कॉम्पेरेबल हो एक दूसरे के, मतलब भाई आर और ए की जो वैल्यू होती है ना, लाइक जो सेंटीमीटर है भाई, दोनों सेंटीमीटर में दे दिया, मतलब ज्यादा गैप का अंतर नहीं है, मतलब दोनों के दोनों लगभग कॉम्पेरेबल है, कि भाई आर और ए को हम नेग्लेक्ट ही नहीं कर सकते, मतलब ए जो है वो नेग्लेक्ट नहीं हो सकता, तो आप ये बहुत पास में, बिल्कुल डाइपोल के एकदम एकदम पास में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तब भाई ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसको आप नकार नहीं सकते। न्यूमेरिकल कराऊंगा इस पे बेस, समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे जो दूसरी बात निकल के आती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि भाई एक्सिस पर यानी कि एक्सेल पोजिशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होती है डायपोल के केस में, तो भाई इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always from negative charge to positive charge, क्या हो जाएगा negative charge to positive charge। दूसरी बात बच्चों यहां पे जो निकल के आती है, that is, मतलब इसी के अंदर एक और बात निकल के, दूसरी करते रहते हो ना, एक और बात जो इसके अंदर सामने समय समझ आती है कि भाई negative to positive charge क्या होता है, dipole moment भी होता है ना, negative to positive charge क्या होता है, dipole moment भी होता है, तो यानी कि डायरेक्टेड अलोंग या इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट। ओके, देखो पहला फॉर्मूला ये हो गया इसमें, दूसरा फॉर्मूला जो यहां पे निकल के आता है, व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, मतलब डाइपोल एकदम पुद्दू सा है, बिल्कुल छुटका सा, ठीक है, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे बहुत ही दूर, बहुत दूर, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे, समझ लो कि भाई डाइपोल mm में और हम फील्ड निकाल रहे मीटर डिस्टेंस पर, 1 meter, 2 meter, 4 meter, बहुत बड़ी डिस्टेंस है भाई, ये mm में होगा, ठीक है, और इलेक्ट कर लो सेंटीमीटर या मीटर के मीटर है, ठीक है, ये जो पॉइंट पी है
वो कई किलोमीटर या कई मीटर या कई सेंटीमीटर, मतलब फुद्दू सा एकदम डाइपोल, छोटा सा डाइपोल है, तब हम क्या करेंगे इस केस में, ए को नेगलेक्ट कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। अगर ये जीरो हो गया, यानी ए यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ई एक्सएल क्या हो जाएगा। देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। यहां से ना एक बात और सामने आएगी निकल के, मैं बताऊंगा व्हाट इज दैट थिंग। सो ये क्या आ जाएगा, ई एक्सएल इज 2kPr अपॉन r की पावर 4 हो जाएगा। वाई भाई ये तो जीरो हो गया, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर, दोनों क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, आर की पावर 4 हो गया। एक आर ऊपर एक आर नीचे, खचाक से ना कट जाएगा, 2kp बाई आर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2kp बाई आर क्यूब। तो देखिए जब डिस्टेंस बहुत ही लार्ज हो, जब डिस्टेंस बहुत ही लार्ज हो, तब आप ये फॉर्मूला यूज करो, है ना। डाइपोल बहुत छोटा है, उसकी लेंथ बहुत छोटी है, देन आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। देखो अब यहां से क्या बात निकल के आ रही सामने बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू डाइपोल, वो क्या होता है, डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोला, डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाउ इट इज पॉसिबल सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या था, के क्यूब बाई आर स्क्वायर था, ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 1 बाई आर क्यूब के प्रोपोर्शनल। तो भाई डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही रैपिडली फॉल करेगा, बहुत तेजी से गिरेगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है, बहुत ही तेजी से क्या करेगा, फॉल करेगा। ओके तो ये बात ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया, इवन नीट जैसे एग्जामों में ये सवाल पूछ रखा, भाई नीट के एग्जामों में सोचो, CUT जैसे एग्जामों में, अभी तो खैर एक ही बार हुआ है तो उसमें भी शायद उम्मीद हो, लेकिन एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, आर स्क्वायर आर की पावर 4 आर आर क्यूब, भैया आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यानी अगर आप ग्राफ बनाना चाहो यहां पर, ठीक है, ई वर्सेस आर का, ठीक है, ई वर्सेस आर, अब मैं इसमें दोनों ग्राफ बना के दिखाऊंगा, एक ये वाला और एक ये वाला। देखो ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, लेकिन ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और रैपिडली फॉल करेगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये वाला क्या है, आर क्यूब वाला है, वन बाई, और ये वाला कौन सा है, ये वाला फील्ड वन बाई आर स्क्वायर होगा। ओके भाई जितने प्रोपोर्शनल के ग्राफ होते हैं सारे ऐसे ही जाते हैं, जितने प्रोपोर्शनल के ग्राफ होंगे सारे ऐसे ही जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। यहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगा, नीचे की वैल्यू ज्यादा बड़ी है, तो रैपिडली फॉल करेगा, नीचे झुका देना उस लाइन को। ओके तो ये हो गया हमारा एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डाइपोल, उसकी पूरी की पूरी थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, फिर देन उसके बाद इक्विटोरियल वाला कराऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, छोटे छोटे मैं सोच रहा हूं कि एक एक दो दो डेरिवेशन डालू और उसको पूरे डिटेल में समझाऊं। So let's do the examples, numericals basis on this concept. ये DPP3 है, electric field and electric charge, electric field, EC, EF करके। आप telegram channel पे Crazy for Physics में जाके ये DPP आपको मिल जाएगी, वहां पे download कर लेना, ठीक है, और आराम से practice करो, बहुत ही authentic question है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी आपकी इसमें, और थ्योरी के क्वेश्चन भी सारे कवर अप हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत सही सवाल है इसके अंदर, कई सारे सवाल है, जरा उनको ट्राई करना, ठीक है, और अपनी स्टडी को बेहतर बनाओ। तो चलिए पहला सवाल जो इसके अंदर, देखो बच्चों ये सवाल है एनसीईआरटी का सवाल है ये, ठीक है, देखो ये लोकेशन वाला जो है ना, ये ऐसा कुछ देख के ना बच्चे घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्या है ये, क्या बवाल है भाई, कोई बवाल नहीं है, एकदम सिंपल सवाल है, ठीक है, ये एक्स ये वाई ये जेड हो गया, ठीक है, आपको कोई भी एक्सिस वगैरह कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखो ये दोनों तो जीरो है दोनों केस में, तो ओनली जेड एक्सिस बचा, तो भाई ये माइनस 15 सेंटीमीटर और ये प्लस 15 सेंटीमीटर, बस एक लाइन करके दिखा देना, अगर दो सिस्टम दे दिया जाए तो भाई एक और लाइन बीच में खींच देना, यानी कि आप क्वाड्रेंट बना देना, राइट, कार्टेशियन प्लेन बना देना। तो देखिए सवाल क्या है, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस माइनस, यानी 2.5 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम और माइनस 2.5 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम,
क्या पूछा गया, लोकेट है ए पर और बी पर ठीक है रेस्पेक्टिवली, व्हाट आर द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा सिस्टम का। तो यहां पे एक चार्ज है और एक चार्ज यहां पर है, यहां पर कौन सा चार्ज है भाई 2.5 × 10⁻¹⁷ कूलम्ब, और यहां पे कौन सा चार्ज है −2.5 × 10⁻¹⁷ कूलम्ब। भाई दोनों चार्जेस अपोजिट है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो यानी कि क्या बनाएंगे डाइपोल बनाएंगे। भाई डाइपोल बना रहे तो इसका मतलब क्या है, टोटल चार्ज किसी भी डाइपोल पे क्या होता है जीरो हो जाता है, पहले का तो आंसर ही हो गया भाई, इन दोनों को जोड़ दो टोटल चार्ज क्या हो गया जीरो हो गया। दूसरा पूछा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ईडीएम लिख लेना इसको ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमको बेरा से क्यू इंटू में टू ए, यही तो होता है फॉर्मूला, हमको पता है कि क्या होता है क्यू इंटू में टू ए होता है। अब इनके बीच में डिस्टेंस टू ए क्या होगा भाई, 15 ये 15 ये दोनों जुड़ेगा कितना हो गया 30 हो गया, 30 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई डिस्टेंस निकाल रहे हो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 15 − −15 पोजिशन वेक्टर को घटा देना ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 + 15 कितना हो गया 30 हो गया, तो 2a कितना हो गया 30 सेंटीमीटर है, याद रखना सेंटीमीटर ही है, चार्ज की वैल्यू 2.5 × 10⁻¹⁷ और 2a कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 30 का मतलब भाई सेंटीमीटर है तो 3 × 10⁻¹⁰ क्यों आया ये 3 × 10⁻¹⁰ भाई यहाँ पे सेंटीमीटर है 100 से इंटू कर दो डिवाइड कर दो मतलब 10⁻²⁺ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जीरो की वजह से एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगी ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो भाई 2.5 × 3 कितना हो गया 7.5 × 10⁻⁶ - 8 कूलम्ब मीटर, क्या हो जाएगा 8 कूलम्ब मीटर, इतना हो गया डाइपोल मोमेंट। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, बी टू ए, ए टू बी, भाई हमेशा डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, बी टू ए होगा, क्या होगा अलोंग बी ए, सो डीपीपी 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, पीडीएफ इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, और वरना क्रेजी फॉर फिजिक्स से टेलीग्राम पे जाओ डाउनलोड कर लो। तो अगला सवाल है बच्चों, देखिए यहां पे 2 पॉइंट चार्जेस है ±0.2 μC सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 10⁻¹⁸ मीटर ठीक है, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर फ्रॉम देयर मिड पॉइंट। सवाल का मतलब यह है कि भाई दो चार्जेस है, एक 0.2 μC नेगेटिव का और एक +0.2 μC का है, इसके सेंटर से 1 मीटर यानी 0.1 मीटर ऑन द एक्सिस, सेंटर से 0.1 मीटर डिस्टेंस पर क्या दे रखा है, डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है भाई, एक्सेल पोजीशन पे निकालना है। ये देखिए पहले यहां पे किस इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ कितनी है 10⁻¹⁸ मीटर है, ये बताओ 0.1 ज्यादा किए ज्यादा 0.1 मीटर क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा 10⁻¹⁸ मीटर से, यानी बहुत ही दूर क्या निकाल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे बहुत ही दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजिशन व्हेन आर इज व्हाट, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि भाई जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए बच्चों तो फॉर्मूला यूज करना K2KP/R³, क्या यूज करोगे 2KP/R³ फॉर्मूला यूज करोगे, और R की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0.1 हो जाएगी, 2 × K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू क्या होगी 9 × 10⁹, वही वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फोर्स में हमने निकाला था कूलम्बियन फोर्स में, कूलम्ब्स लॉ में जो डिफाइन कर रहे थे ठीक है, प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट होते इलेक्ट्रिक फोर्स कॉन्स्टेंट या कूलम्ब्स कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसको हम, और पी की वैल्यू भाई P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे P नहीं पता हमें, तो भाई P क्या होता है Q × 2A भी होता है ना, Q कितना है यहाँ पर 0.2 × 10⁻¹⁶, चार्ज की वैल्यू 0.2 μC, माइक्रो का मतलब माइनस सिक्स हो जाएगा ठीक है, और इंटू में 2A, अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 10⁻¹⁸ का डिस्टेंस है, इंटू में 10⁻¹⁸ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक
डाइपोल मोमेंट पहले निकालोगे आप, क्योंकि यहां पे हमारे पास डाइपोल मोमेंट दे रखा है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 × 10⁻⁶ - 8 - 14, एक यहां से आ जाएगा तो -15 कूलम्ब मीटर। भाई ये वैल्यू यहां पे रख दो, है ना, सो 2 × 10⁻¹⁵ अपॉन में आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब भाई 0.1 का मतलब 10⁻¹⁰, ठीक है, इसका क्यूब कर दो तो 10⁻³। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा, 2 × 9 = 18, 18 × 2 = कितना हो गया 36 हो जाएगा, और 9 में से 12, 12 में से 15 गया, 3 बचा, यानी कि आप कह सकते हो कि भाई 3.6 × 10⁻²⁺ न्यूटन पर कूलम्ब, यही होते ना न्यूटन पर कूलम्ब। और डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ट्राई करो न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन रीड करो और सॉल्व करो, वैल्यूज देखो, फॉर्मूला पहले लिखो भाई क्या क्या है, क्या क्या गिवन वो देखो, फॉर्मूले पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ओके सो अगला सवाल बच्चों ये है, देखिए जरा, 2 पॉइंट चार्ज है ईच ऑफ 5 μC बट अपोजिट इन साइन, आर प्लेस्ड एट 4 cm अपार्ट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस 4 cm फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल पोजिशन ऑफ द डाइपोल। सवाल क्या है, देखो यहां पे दो चार्जेस हैं, एक की वैल्यू 5 μC माइनस का और दूसरे की वैल्यू क्या है +5 μC, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है भाई, 4 cm का डिस्टेंस है, कितने का 4 cm का, तो यानी दोनों चार्ज क्या हो गए, 2-2 cm की दूरी पर हो गए। इसके सेंटर से इसी एक्सिस, तो इस पॉइंट पी पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना, इस पॉइंट पी पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखिए बच्चों, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, कहां से निकालना है, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो देखिए अब ये वाला वही केस है बच्चों कि देखो यहां पे डाइपोल की लेंथ कितनी है, 4 cm, डिस्टेंस कितना है भाई 4 cm, भाई आर और 2a लगभग बराबर ही है भाई, बराबर है मतलब दोनों का जो यूनिट है सेम है भाई, सेंटीमीटर में दोनों। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल फॉर्मूला हमने निकाला था, जो हमने ओरिजिनल फॉर्मूला ड्राइव किया था किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल अलोंग इट्स एक्सियल पोजिशन, कौन सा था वो फॉर्मूला, दैट इज 2kPr/r² - a² का होल स्क्वायर, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। बताया था ना कि जब r और a कंपेरेबल है, लगभग बराबर है, यूनिट सेम है, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, तब यहाँ पे a को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तब आप a को यहाँ पे क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो सॉल्व कर लो भाई, 2 × k, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, है ना, सो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी P = q × 2a, ये फॉर्मूला है हमारे पास। q कितना है 5 μC, 5×10⁻⁶, और 2a कितना है 4 cm, यानी 4 × 10⁻², भाई 5×4 = 20 - 6 - 2 - 8, कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब मीटर, ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गया। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 2 × k 9 × 10⁹, है ना, 9 × 10⁹, पी की वैल्यू 2 × 10⁻⁷, और आर कितना है यहाँ पे बच्चों, आर भी 4 cm है, तो 4 × 10⁻², सारी वैल्यू पुट कर दी है मैंने, जो जो वैल्यू थी सब पुट कर देंगे, अगेन आर यहाँ पे कितना है 4, ठीक है, 4² और माइनस ए कितना हो जाएगा, ए तो 2 cm होगा, है ना, ए कितना है 2 cm, तो 4 − 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और इस पूरे का भी स्क्वायर करोगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करोगे, सेंटीमीटर है, जब इसको मीटर में चेंज करो -2 का फैक्टर आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे, देखो यहाँ पे स्क्वायर होगा तो -4 हो जाएगा, फिर स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, -8 हो जाएगा, तो बाहर आप क्या कर लो, -8 कॉमन निकालो, ये बात समझ आई। देखो आर की वैल्यू, आर कितना है 4×10⁻², यही तो है ना, आर की वैल्यू ये हो जाएगी भाई, -2 का पहले स्क्वायर करोगे तो -4 हो जाएगा पावर,
फिर यहाँ पे बाहर भी स्क्वायर है, फिर दोबारा स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, माइनस एट हो जाएगा। तो माइनस एट मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर और ए में दोनों में ये यूनिट सेम है भाई। चार का स्क्वायर कितना हो गया 16, और दो का स्क्वायर चार, 16 में से चार गया 12, 12 का स्क्वायर 144। ये ध्यान रखना, बच्चे इसी में गलती करते हैं, स्क्वायर ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो दो दो गुना में नौ गुना में दो चौक आठ, ऐसे ही लिख दो इसको भी फिलहाल, मुझे पता सारी वैल्यू कट जाएगी, देख लेना। नौ में से सात गया, कितना बचा, एक बचेगा नौ में, या गुना कर लो छोड़ो, दो निम अठारह, अठारह दुनी छत्तीस, छत्तीस चौक 144, राइट। नौ में से सात गया दो, दो में से दो गया जीरो, तो दस की पावर एट ऊपर आ जाएगी। नीचे कितना आ गया, चार का स्क्वायर 16, दो का स्क्वायर चार, 16 में से चार गया 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 आ गया भाई, कट गया, कितना आंसर आ गया, 10 की पावर 8 न्यूटन पर कूलम्ब, 10 की पावर 8 न्यूटन पर कूलम्ब इसका आंसर है। तो देखिए ये थे कुछ सवाल, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस एट द एक्सियल पोजीशन। तो ई एक्सियल पे बेस सवाल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बेस सवाल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे बेस सवाल हमने किए हैं। तो ये लेक्चर भाई आज यहीं तक है, अगली वीडियो जो होगी वो होगी इक्विटोरियल पे बेस सवाल कराऊंगा, और इक्विटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल के ही, ठीक है, उसकी डेरिवेशन क्या है वो हम करेंगे डिस्कस, और रेशियो डिस्कस करेंगे ई एक्सेल और ई इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो तब तक के लिए बच्चों अलविदा, ठीक है, लगे रहिए और मेहनत करते रहो, ठीक है, आने वाला जो एग्जाम होगा 2024 का वो फोड़ना है और अच्छे से करके आना है उसके अंदर, ठीक है सर, टाटा बाय।